वो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो दिस इज नथिंग बट गोइंग टू बी द फॉलो ऑफ LHS, यानी कि फॉलो ऑफ B, ओके? तो अगर हमें इस प्रोडक्शन यानी B gives epsilon, इसे कहीं किसी कॉलम में रखना है तो आपको LHS जो है उस प्रोडक्शन का उसका फॉलो अप देखना पड़ेगा, और उसका फॉलो अप जहां होगा उस रिस्पेक्टिव कॉलम में आपको उस रिस्पेक्टिव प्रोडक्शन रूल को रखना है। यानी कि इन दिस केस जो आपका रूल है वो क्या है, B gives epsilon, इसका LHS क्या है, B है। अब ये जो B दिख रहा है भाई साहब, आपको इस B का आपको क्या करना है, सिंपली फॉलो अप देखना है। तो B का फॉलो अप मैंने निकाल के रखा हुआ है, विच इज नथिंग बट डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रैकेट। तो डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, लिख देंगे भैया। तो B तो हमारा ये वाला हो गया, अब बचा था ये वाला। इसके लिए हमारे पास दो कॉलम्स है, एक तो डॉलर एक क्लोजिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्लोजिंग में डालते हैं B gives epsilon एंड फिर डॉलर में डालते हैं B gives epsilon। I hope you are understanding what I have done. Okay? Okay. Next, अभी आगे बढ़ते हैं भैया, C के ऊपर आते हैं। Let's move to C. अब C में ये वाला production होगा, common sense, बराबर है। तो row तो fix हो गई। अब आगे बढ़ते हैं column fix करना। तो column के लिए क्या करना पड़ेगा, right hand side देखना पड़ेगा। अभी जो right hand side में देख रहा हूँ उसका first of क्या है, it is nothing but first of D, बराबर। And first of D क्या है वो हमें यहाँ पे पता चलेगा, बराबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑफ डी मैंने निकाल रखा है जेड एंड ओपनिंग ब्रैकेट। तो जेड एंड ओपनिंग ब्रैकेट में आपका जो ये रिस्पेक्टिव प्रोडक्शन है इन द रो सी लोकेट होने वाला है, उन सेल्स में जाने वाला है। तो सी में हमें क्या देखना है, जेड एंड ओपनिंग। जेड एंड ओपनिंग में क्या जाएगा, ये वाला प्रोडक्शन जाएगा, दैट इज सी गिव्स डी ई, ये हो गया जेड। एंड ओपनिंग में जाएगा, दैट इज नथिंग बट ये वाला ओपनिंग है आपका, सी गिव्स D एंड E। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। ठीक है, यहाँ तक बात पहुँच गई अपनी, आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, अब आते हैं D के ऊपर। अब यहाँ पे आपका D है स्पेसिफिकली, ओके, इट इज गिवन। तो यहाँ पे ये जो D वाला प्रोडक्शन है आपका, दिस इज गोइंग टू ऑब्वियसली गोइंग टू लाई इन द D रो, ओके। और यहाँ पे दो है अल्टरनेटिव आपके प्रोडक्शन के लिए, ओके, एक तो D gives Z और एक D gives opening एक क्लोजिंग ब्रैकेट, बराबर। ऐसे दो हैं, तो D gives पहले तो Z एंड D gives इस तरीके से है, बराबर। ये दो है, अभी इन्हें हमें प्लेस अप करना है। तो वो प्लेस कैसे होंगे, सिंपल सी बात है, आपको फर्स्ट ऑफ देखना है। तो इसका फर्स्ट ऑफ क्या है, इस रिस्पेक्टिव प्रोडक्शन का, इस रिस्पेक्टिव प्रोडक्शन का फर्स्ट ऑफ क्या है, जेड है। तो हमें इस प्रोडक्शन को जेड में रखना है इन द रो डी, बराबर। तो कॉलम क्या है, जेड, रो क्या है, डी, और ये जो रिस्पेक्टिव आपका प्रोडक्शन है उसे उसके इंटरसेक्शन में बिठाना है। तो ये डी है और ये जेड है और ये आपका प्रोडक्शन यहां पे आ गया लाइक दिस, ओके। अब आती बारी अगले की यहां पे। तो अभी ये भी एक प्रोडक्शन है आपका, ओके, और इसका जो आपको फर्स्ट ऑफ निकालना है राइट हैंड साइड का, इट इज नथिंग बट ओपनिंग ब्रैकेट, बराबर है कि नहीं, इट इज नथिंग बट द ओपनिंग ब्रैकेट। तो ये ओपनिंग ब्रैकेट में आपका ये जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन है वो चले जाएगा इन द डी रो, इन द डी रो, जो होगा आपका सिंपली डी गिव्स लाइक दिस। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। इस तरीके से हमने पूरा वो लोकेट कर दिया, तो डी का भी काम हो गया भाई। अब आगे बढ़ते हैं और फाइनली हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट वेरिएबल या नॉन टर्मिनल कह लो उसकी तरफ, ठीक है। तो ई यहाँ पे है, यहाँ पे भी दो ऑप्शन है अपने पास, कौन कौन से ऑप्शन है, एक तो ई दे रहा है अपने को वाई डी और ई, और एक ई दे रहा है अपने को डायरेक्टली एप्सिलॉन। अभी एप्सिलॉन का क्या करना है ये तो अपने को पता है, लेकिन इसका क्या करना है, और उससे भी पहले ई है। ई है मतलब क्या, अपना ई जो रो है वो तो फिक्स है भाई, बराबर, इतने तक तो अपन कंफर्टेबली पहुंच जाते हैं, ठीक है। उसके आगे का सफर जो है कॉलम पे करना है, तो उसके लिए अपने को राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन का फर्स्ट ऑफ लेना पड़ेगा। तो इसका फर्स्ट ऑफ क्या है, इट इज डायरेक्टली ए टर्मिनल वाई, तो हम लोग डायरेक्टली वाई को कंसिडर कर सकते हैं, दिस इज आवर सिलेक्टेड कॉलम। ये राइट हैंड साइड का अगर मैं फर्स्ट ऑफ निकालता हूं तो वो आता है वाई, तो वो क्या आता है, वाई आता है। और ये जो वाई आप देख रहे हो अभी तक ये कॉलम एम्प्टी था, अब ये भरने वाला है इन द कॉलम ऑफ ई, यहां पे इंटरसेक्शन होगा। तो ये वाला प्रोडक्शन मैं यहां पे लिखूंगा ई गिव्स वाई डी ई लाइक दिस, ओके ओके। और फिर यहां पे एक और प्रोडक्शन बच जाता है आखिरी वाला, बिकॉज इसके बाद तो सब खत्म ही हो गया है, ओके, एवरीथिंग इज डन। ई गिव्स एप्सिलॉन, E gives epsilon. अभी यहां पे राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन इज epsilon. तो फिर क्या करना होता है, यू हैव टू टेक द फॉलो ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि फॉलो ऑफ E देखना है। तो आपको अगर E देखोगे तो E का फॉलो ऑफ अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको इंपॉर्टेंट X क्लोजिंग ब्रैकेट एंड डॉलर, X क्लोजिंग ब्रैकेट एंड डॉलर यहां पे आपको दिखने वाला है। यानी कि जो आपका X है, यानी यहां पे आपको लिखना है E gives epsilon, दिस इज द वन थिंग, क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पे, क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पे, ई गिव्स
एप्सिलॉन, दिस इज द वन थिंग. एंड फाइनली आपका यहाँ पे डॉलर है, दैट इज नथिंग बट ई गिव्स एप्सिलॉन. इस तरीके से दोस्तों हमने अपने इस रिस्पेक्टिव एग्जाम की एग्जाम्पल के लिए अपना जो LL1 पार्सिंग टेबल है वो पूरी तरीके से जनरेट कर दिया है. बढ़िया तरीके से, आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझा दिया है किस तरीके से इस पार्सिंग टेबल को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं. उसका पूरा कंस्ट्रक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. अगर ये वीडियो आपके थोड़ा बहुत भी भाई काम आ गया होगा, एग्जाम में मदद हो गई होगी, आपको अच्छा लग गया होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए. और उससे भी ज़्यादा जरूरी दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ. थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.